दगड़ियों नमस्कार पलाक और छोटो को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद और कष्ट आप लोग उम्मीद कर लू की सब लोग ठीक है नला मैं बिल्कुल ठीक छू और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिसेस पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं बता दूं मैं पूनम नेगी उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटाबाग से। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग फिर से हो रही है ऊपर वाले घर से। तो अभी मैं ऊपर वाले घर पर आई हुई हूँ और यहाँ पे खेतों में लगा रखा है पानी। ये देखो आज ना सारे खेतों को झोला जा रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है। ये देखिए सीधा जा रहा है यहाँ पे लहसुन और उधर वहाँ बरसिम बो रखी है सारे खेतों में। मतलब आज पानी की तराई कर रहे हैं। ये देखो वहाँ पे पापा लगे हुए हैं काम करने में। और आज हमारे घर पे आ रखे हैं कुछ स्पेशल मेहमान। पहले शुभी से मिल लीजिए, ये रहा हमारा शुभी बच्चा। हेलो हाय। तो ये रही दीपा आंटी। हेलो आंटी। और स्पेशल मेहमान आ रखी हैं हमारी भावना और भावना की सासू माँ। ये देखो हाय बोल दे। और ये रहा इनका बेटा लक्कू, हमारा भांजा है ये। वो फिर से पानी में चले गए शुभी। शुभू इधर आओ बेटा, पानी में मत जाओ। शुभी बार बार उस साइड को चले जा रही है। हाँ दादा के साथ खेलो। ये दो ग्लास इसके लिए और एक्स्ट्रा, वो मैं एक्स्ट्रा ले आई, इनका होगा और एक मैं एक्स्ट्रा ले आई कोई आ गया तो। शुभी शुभी दादा के साथ खेलो, इधर आओ शुभू। और ये रहे नेगी जी, गाय को पानी पिला के आ रहे हैं। आओ आप भी पी लो चाय। चाय पी लो। नहीं पी रहे हो? अच्छा ये शुभी बच्चा दौड़ने में लगा हुआ है। मामा कैसे हो? कैसे हो मामा? कैसे हो मामा? बोल मामा कैसे हो? मामा के पास जाओ। अभी कहां मेरे को कितने टाइम बाद देखना होगा? इतना बड़ा बोल अबे तेरी मक्का मेरी कुट्टी मेरी कुट्टी। शुभी बुआ कुट्टी जा करो। अच्छी तो घर में ले इन्हें घर को घर में हिस्सा बरे। और इस एप्पल को फेंक दो, ये गंदा हो गया। ये तो मैं भा दी हूं। गंदा हो गया बेटा। शुभू शुभी शुभी खुटी जा करो। वहाँ वहाँ दादी की भी खुटी जा करो। तो आज घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं इसलिए आज हम सान रहे नींबू, क्योंकि नींबू का तो असली मजा है जब सब लोग इकट्ठा हो तभी। तो यहाँ पे मम्मी दीपा आंटी और मैं नींबू साने में लगे हुए हैं, बाकी बच्चे खेलने में लगे हैं। शुभी यहाँ पर है और लक्कू ये है। हाँ बच्चों को देखने की ड्यूटी जो है वो खाना को दे रखी है। खेलो खेलो दोनों खेलो। बेटा पानी ना। तो मम्मी और आंटी लगे हुए हैं छीलने में, तब तक मैं खेत से मूली तोड़ के लाती हूँ, क्योंकि नींबू जब सानते ना उसमें सारे फल और मूली सब चीज और मिल जाए ना तो मजा ही आ जाता है। आज हमारे पास अमरूद नहीं, और टाइम पे हमारे पास अमरूद भी होते हैं ना, अमरूद नहीं है। चलो मैं खेत में आ गई हूँ, यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी मूली देखती हूँ कि बड़ी मूली कहाँ पे हो रही है। तो ये देखिए किनारे किनारे पर ना मूली लगा रखी है, तो अब मुझे देखनी पड़ेगी कि बड़ी मूली कहाँ पर हो रही है। तो ये देखो एक मूली यहाँ पर हो रही है, इसको तोड़ते हैं। ये रही मूली। बाकी पापा यहाँ पानी झोलने का काम कर रहे हैं, ये देखो। हाँ यहाँ पूरा पानी का ही काम हो रहा है। वहां पे बांध रखा है चंदा को। चलो फिर आप काटते हैं मूली। तो आज गांव से हमारे चाचा भी आ रखे हैं। ये रहे हमारे चाचा। चलो तो यहाँ पर अब सभी लोग नींबू साने में लग चुके हैं। यहाँ पे भावना की सासू माँ बैठी हुई है, बाकी भावना भी ऐड हो गई है यहाँ पे। ये देखो भावना, दीपा आंटी, मम्मी और अब मैं भी बैठती हूँ।
तो नींबू, माल्टा, सेब और मूली, मूली एक चीज और था, ये सब कुछ काट दिया है। और इसमें हमने किन्नू, माल्टा, किन्नू, ये सब कुछ हमने काट दिया है। साथ में मीठे में इसमें डाल रखा है गुड़, ये देखो मम्मी गुड़ काट रही है, और पिसा हुआ नमक और दही। अभी इतना है, अभी नेगी जी से मंगा रखा है दही और केले मंगा रखे हैं। नींबू का ना असली मजा तब है जब उसमें सारे फल फ्रूट सब मिक्स होना, तो मजा आता है। यार अमरूद जो नहीं मंगाए दो, मैंने अमरूद भी अच्छा लगता है। चलो इतने फल बहुत है। तो मम्मी ने इसमें पिसा हुआ नमक डाल दिया है, दही डाल दिया, अब डालते हैं इसमें दही। तो नेगी जी आ गए हैं, केले और दही भी लेके आ गए, तो अब मम्मी काटने लग गई केले। नींबू, नींबू चाचा, नींबू तो बहुत सारा है, बस चम्मच भी लेके आती, चम्मच लेके आती हूँ, नीचे से लेके आऊँ मैं? नहीं नहीं मैं तो सभी को नींबू बांट दिया है। और अब बारी है मेरी, मैं तो पूरी कटोरी भर के ले रखी, बड़ी कटोरी से। मजा आ गया, समझ नहीं आई, खाया खा खा, बहुत बढ़िया। तो नींबू भी खा लिया और खाना पीना भी खा लिया, और अब हम लोग जा रहे हैं किसी काम से हल्द्वानी शॉपिंग करने के लिए। मैं, नेगी जी और पापा जा रहे हैं। ये रहे नेगी जी और पापा ड्राइव कर रहे हैं, ये देखो मेरा शेर बच्चा। और तो आप में से ना किसी का कमेंट आ रहा था कि नेगी जी को फोर व्हीलर चलानी नहीं आती है, शायद मीना बिश जी का कमेंट आया था। तो आपको बता दूं, नेगी जी को आती है, लेकिन नेगी जी का लाइसेंस नहीं बना है, अभी लर्निंग का बना हुआ है। चलाने नहीं देते, नहीं चलाते है नेगी जी। हुआ ये कि नेगी जी, आप लोगों को पता है कि कितनी कम छुट्टी आता है, और इतनी कम छुट्टी में लाइसेंस नहीं बन पाता, लेकिन इस बार हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है, लर्निंग का बना हुआ है अभी। तो जब तक पक्का वाला नहीं बनता, तब तक हम नेगी जी को बड़ी गाड़ी नहीं देते हैं। हाँ, स्कूटी बाइक ये तो चलाते हैं हर जगह पे, लेकिन फोर व्हीलर नहीं देते हैं। और क्या कमेंट आया था, तब तक गाड़ी में बैठे बैठे मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। हाँ, एक का कमेंट ये आया था कि आपने दांत दिखाए थे, तो डॉक्टर ने आपको कौन सा टूथपेस्ट सजेस्ट किया था, तो वो था सेंसोडाइन का। मेरे दांतों में ना सेंसिटिविटी हो रही है, मैं दांतों को बहुत घिस घिस के मतलब ब्रश करती हूँ, जिस वजह से क्या है मेरे दांतों के जो रूट्स हैं वो घिस चुके हैं, तो इस वजह से सेंसिटिविटी होती है। तो कौन सा था वो वाला जो उन्होंने हमें बताया था, थर्मोकाइंड, हाँ थर्मोकाइंड का टूथपेस्ट है। वैसे सेंसोडाइन वाला भी सेम वर्क करता है, सेंसोडाइन ज्यादा अच्छा है, लेकिन उन्होंने मुझे थर्मोकाइंड वाला बताया था, तो वो वाला टूथपेस्ट मैं यूज कर रही हूँ। बाकी अगर मुझे मिलेगा, मतलब अभी तो मैं गाड़ी में हूँ, घर जाकर के मैं उसके फोटो ना आगे से लगा दूंगी। और बाकी जो भी कमेंट होते हैं आप लोग के, आप लोग मतलब जो भी क्वेश्चन होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई कर दिया करूंगी। और वो बेड़ू की रेसिपी, अच्छा हाँ बेड़ू की रेसिपी भी पूछ रहे थे, किसी का कमेंट आया था कि बेड़ू की दाल में आपने क्या क्या मिक्स करा था। तो एक सेकेंड ना, तो बेड़ू की दाल में सबसे पहले हमने रात को ही उड़द की दाल भिगो दी थी, और सुबह उसको अच्छे से धो लिया था, फिर उसमें हमने सिलबट्टे में पीसे थे, उसे मिक्सी में नहीं पीसा जाता है, सिलबट्टे के पीसे भी अच्छे होते हैं। उसमें हमने मिक्स करा था लहसुन, ढेर सारा लहसुन और हरी मिर्च उसके साथ पीस ली थी। फिर जब वो पीस लिया था हमने, थोड़ा दरदराई पीसना होता है, पीसने के बाद उसमें डाला था हींग और धनिया जीरे का पाउडर, हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, ये सब कुछ डाला था। बाकी जैसे हम लोग आलू का पराठा बनाते हैं ना, उसी तरीके से उसको स्टफ करके अच्छे से सेकना होता है। जैसे हम लोग के पास तो कल चूल्हा था, तो चूल्हे में हम लोगों ने कोयले में अच्छे से सेक लिया था। अगर आप तवे में भी बना रहे हो, तो तवे में ना अच्छे से सेक लो उसको, बस ये है उसकी रेसिपी। तो चलो फिर अभी तो जाते हैं हल्द्वानी, बाकी कोई कमेंट मुझे याद आते हैं तो मैं आप लोग कैसे रिप्लाई कर दिया करूंगी जब भी मैं फ्री होती हूँ। Good to know.
तो गाइस अभी टाइम हो गया है, शाम के 7 बज गया है और अभी हम लोग खा रहे हैं गेठी उबाल करके। ये देखो ये रही गेठी, तो गेठी को उबाल करके पीसे हुए नमक के साथ हम लोग खा रहे हैं। गेठी को तो पहाड़ी जान दे होंगे। हाँ तो में नमक लगा के आपको पहाड़ में रहा होगा वही जानता हूँ। पूनम पहले जान रही है आप? हाँ हाँ गेठी जानती हूँ। नहीं शादी के बाद दिया पहले पहले ना ना पहाड़ वाले में जानते हैं। जी नमक लगा के दे रहे हैं, देखो इसमें पिसा हुआ नमक लगा रखा है। और अभी मम्मी ने बाहर चूल्हे में आग लगा दी है। आग जला दी है तो अब इसमें कोयले हो जाएंगे फिर बनाएंगे रोटी। अब हमें आदत हो गई बाहर बनाने की कल से। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर और बाहर ही बना रहे हैं हम लोग रोटी। मैं रोटी बेल रही हूँ और मम्मी यहाँ पे रोटी सेक रही है। ये देखो आग में, और सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अंदर से अच्छा लग रहा है यहाँ पे बनाने में। हाँ परसों दीदी मैं